गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर। सद्भावना कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ 20 ईच एट ₹22। द अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन वाज ₹6, ऑन अलॉटमेंट ₹12 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द अमाउंट रिसीव्ड एज पर कंडीशन पर नेसेसरी जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ सद्भावना। हम सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी को रिसीव करते हैं और हमारी एप्लीकेशन की मनी पहले ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा जर्नलिटीज ऑफ सद्भावना कंपनी। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की मनी को रिसीव करेंगे और एप्लीकेशन की मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना अमाउंट था भाई? 50,000 शेयर, 50,000 शेयर दे और एप्लीकेशन की मनी कितनी है? ₹6। तो 50,000 शेयर, भाई एप्लीकेशन की मनी कितनी है? 50,000 शेयर है, ₹6 से ₹3 लाख की एंट्री कर दिया। फिर हम एप्लीकेशन की मनी को ड्यू करेंगे। एप्लीकेशन की मनी ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन अमाउंट ₹3 लाख। एप्लीकेशन का काम तमाम हो गया। एप्लीकेशन के बाद में आता है अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करेंगे। देखिए अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी दिया है और मैंने कहा था जिसके साथ प्रीमियम हो उसकी ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। तो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि कहा था जिसके साथ भी प्रीमियम हो उसके ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम करना है। तो हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसके साथ प्रीमियम भी है तो इसी एंट्री में हमें प्रीमियम को भी क्रेडिट करना था। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ₹12। तो ₹12 से हमारा अलॉटमेंट कितना हो गया? हमारे भाई कितने शेयर थे? 50,000 शेयर थे। 50,000 शेयर है, ₹12 से हो गया ₹6 लाख। इस ₹12 के अंदर ₹2 प्रीमियम है क्योंकि उसने साफ लिखा क्वेश्चन है कि उसने ₹20 के शेयर को 22 में दिया तो ₹2 क्या हो गया? प्रीमियम है। तो हमारी जो कैपिटल है वो ₹10 है क्योंकि ₹2 तो प्रीमियम है तो कैपिटल ₹10 से हो गया ₹5 लाख और जो प्रीमियम है हमारी वो है ₹2। तो 50,000 शेयर ₹2 से हो गए ₹1 लाख बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब अलॉटमेंट की मनी डी होने के बाद हम अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करेंगे और रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना मनी रिसीव करेंगे? जितना अलॉटमेंट था कितना? 6 लाख था तो हमने लिख दिया 6 लाख। अलॉटमेंट का काम भी खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद में क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कितना? ₹4 है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी को ड्यू करेंगे। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना भाई? 50,000 शेयर है, ₹4 से कितने हो जाते? ₹2 लाख। तो हमने ₹2 लाख की एंट्री कर दिया। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी ड्यू करने की एंट्री होगी। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी को रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 लाख। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन था जनरल एंट्री। बस एक ही बात ध्यान रखना था कि प्रीमियम जिसके साथ भी होगा उसकी ड्यू वाली एंट्री में हम प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट है पूरा। अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन के बाद अब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो 10 नंबर क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप्स का ही है, लेकिन फिर भी चलो अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। होमवर्क नहीं देते।